नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। धार कलेक्टर आलोक कुमार सिंह ने बताया, क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। धार नगर में मंगलवार को जो बंद रहता था वह अब बंद नहीं रहेगा, सिर्फ शनिवार रविवार को पूर्ण रूप से लॉकडाउन रहेगा। पूरे जिले में रविवार को पूर्ण रूप से लॉकडाउन का पालन करवाया जाएगा और जिले में जहां जहां जिस दिन हाट बाजार लगते हैं वहां उस दिन वहां के सब डिविजनल अधिकारी द्वारा निर्णय कर बंद करवाया जाएगा। जिले में जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा जिससे जनता को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क भी अनिवार्य रूप से लगाना होगा। जो व्यक्ति बिना मास्क के बाजार में नजर आएगा उसको उसी समय जुर्माना भरना पड़ेगा। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं जिसके तहत धार शहर हर सप्ताह सैटरडे संडे को बंद रहेगा। जो मंगलवार के बीच में बंदी हो रही थी अब वो बंदी नहीं रहेगी। सब डिविजनल मुख्यालय सभी रविवार को बंद रहेंगे। पूरे ज़िले में संडे का लॉकडाउन होगा। बाकी सब डिविजनल मुख्यालय के अलावा जहां भी मार्केट लगता है जिस दिन को उस दिन सब डिविजनल अफसर वो अपने निर्णय के अनुसार उन मार्केट्स को बंद रखेंगे। जो त्यौहार आगामी आने वाले हैं उसमें जो होम मिनिस्ट्री के जो निर्देश आए हैं उसके तहत नियमों का लोगों को पालन करना होगा। किसी प्रकार की मूर्ति स्थापना जुलूस या कार्यक्रम अन्य कार्यक्रम नहीं होंगे। जो राखी की अलग से दुकानें कोई नहीं लगाई जाएंगी लेकिन जो दुकानें स्थायी रूप से हैं उनके साथ वो अपनी दुकानें चला सकते हैं। इसके अलावा जो लोग बिना मास्क के पाए जाएंगे उन पे ऑन स्पॉट फाइन होगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी और इसके प्रति एक विस्तृत जागरूकता अभियान जिले में चलाया जाएगा जिससे लोगों में जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने की या मास्क न पहनने की अभी जो प्रवृत्ति दिख रही है उस पर हम लोग जन जागरूकता भी करेंगे और लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई भी करेंगे। खबर समय जगत के लिए धार से अल्ताफ खान की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।